लाइन में तो हम 5-6 साल से चल रहे हैं, तो अच्छा काम है हमारे पास। तो क्या है कि हम तो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो हमारे पास 300-500 बकरे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। एनी टाइम स्टॉक पे रखते हैं हम, एनी टाइम स्टॉक पे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम आयुष्मान गोट फार्म पर, जो कि किशनगढ़ के पास ही है, वहां से 8 किलोमीटर दूरी पर है, और ये मैं कह सकता हूं कि अभी तक का अजमेर का सबसे बड़ा फार्म है, जहां पर आपको स्टॉक पर 400 बकरे लमसम देखने मिलेंगे। 380 के ऊपर बकरे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं, जिसमें 40 केजी से 60 से 70 केजी तक के जो बकरे हैं वो आपको देखने मिलेंगे। साथ में हम दूसरे और तीसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन्होंने फार्म को सेटअप किया और कैसा काम ये कर रहे हैं, और साल भर में लगभग क्या स्टॉक मेंटेन करते हैं और कितने बकरे सेल आउट करते हैं। तो ये पूरी जर्नी हम इनकी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कैसे काम शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से आप भी इस पर बड़े पैमाने पर अपने काम को लेकर जा सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चले चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। नमस्कार सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और ये फार्म कब शुरू किया था इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर। सर मेरे को फार्म तो हमारा तो पीडीओ से काम चल रहा है ये। जी जी। पर जैसे ये ऑनलाइन भी तो हम 5-6 साल से चल रहे हैं, तो अच्छा काम है हमारे पास। तो क्या है कि हम तो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो हमारे पास 300-500 बकरे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। एनी टाइम स्टॉक पे रखते हैं हम। एनी टाइम स्टॉक पे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया भी कि अभी एट प्रेजेंट इनके पास 380 से ज़्यादा बकरे स्टॉक पर हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कैसे आपने ये काम शुरू किया था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मेरी एज के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बकरी पालन में आना चाहते हैं और इसे एक ड्रीम की तरह लेकर चलते हैं कि यार मैं भी कल के दिन इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो कैसे ये आपकी जर्नी रही अभी तक की और कैसे काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा समझाइए। देखो एक्चुअली ये धंधा, क्योंकि हमारे तो पीडीओ से चलता था, पीडीओ से चल रहा है और पीडीओ का चिल्ला हमने पकड़ रखा है, तो हम भी इसको कर रहे हैं। और ऑनलाइन में हम 10-1 साल से आए, बट अच्छा बेनिफिट है इसमें। अच्छा बेनिफिट। हाँ, अच्छा बेनिफिट है, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो आपने इससे पहले बकरी का भी काम किया होता कि टोटल बकरे टोटल काम करता हूँ? बकरी का करता हूँ, बकरे का करता हूँ, बच्चे का करता हूँ, सब किड्स वगैरह सब अवेलेबल रहता है। सब अवेलेबल रहते हैं। चलिए, जैसे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 40 से 60 केजी के बकरे हैं, 70 केजी तक के बकरे हैं, इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो जो आपने अभी बकरा पकड़ा हुआ है इसके बारे में डिटेल दीजिए। देखो एक्चुअली में जो अभी ये लोड खड़ा है ना, इस लोड के अंदर 40 किलो के भी है, 50 किलो के भी, 60 किलो के भी, 70 किलो के भी है, तो सब मिक्स बकरे हैं। तो अभी जो बकरा मैंने आपको दिखाऊंगा, ये बकरा प्योर सिरोही नस्ल का बकरा है और इसका वजन है तकरीबन 75-75 किलो वजन है इसका। जी जी। और अच्छी लेंथ में है सर। ये गुजरी होगा ना इसका? नहीं, ये गुजरी नहीं बोल सकते, ये सिरोही का ही है, गुजरी का गुजरी नहीं है। वाइट में होने के कारण मुझे लगा कि गुजरी है। सिरोही का ही है। सिरोही का ही है। क्या वजन होगा सर इसका? इसका वजन 75 किलो के करीब है। कितने दांत पे होगा सर अभी ये? अभी क्या दांत पकड़ा? दो दांत पे अभी, देखो ये। अच्छा, हाँ हाँ, दो दांत पे। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली में हमारे जो फार्म पे जो बकरे है ना, आपको 2-4 दांत यही मिलेंगे, इससे वजन तो है भी नहीं और ऊपर के बकरे नहीं है, इसी साल के सारे बकरे हैं। सब और अभी ये फ्रेश सबका एक्चुअली में हमारे फार्म का ये खासियत है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में काम देते हैं, तो हमारे को क्या है कि वैक्सीनेशन वगैरह करके हम पहले से तैयार रखते हैं। ऐसा हमारे पास में बिगर वैक्सीनेशन वगैरह कोई रहता नहीं है। अच्छा, मतलब सारे एक आपने शेड्यूल बना रखा है कि इस टाइम पे खरीदारी करनी है, तो उस हिसाब से फिर आप उनका वैक्सीनेशन वगैरह और मतलब फीडिंग शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें आपने तैयार की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और बकरे देखते हैं सर आपके। ये देखो, ये एक सिरोही नस्ल का, प्योर सिरोही नस्ल का बकरा है और इसका वजन है तकरीबन 60 किलो, और ये भी 2 दांत पे है। 2 दांत पे है। जी, बहुत खूब। और सर जैसे अभी ये जो बकरा आपने पकड़ा हुआ है, इसको अगर कोई स्टॉक करता है 1 साल के लिए अभी रोकता है, तो ये कितना वजन खींच सकता है? देखो अभी एक्चुअली में मेरे को इस साल मैंने इसको फार्म पे रखा है, तो इसने 60 किलो वजन गेन किया है, तो अगले साल तो इसका वजन डबल मान के चलो 130-140 के करीब हो जाएगा, यदि अच्छी पलाई गलाई करेगा तो। चलिए,
और भी कुछ बकरे हैं उस तरफ आप देखते चलते हैं। पूरा जो लॉट है मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें जैसे हमने बताया कि ये 40 से 60 केजी का है, इसमें थोड़ा सा कुछ गुजरी है, कुछ सिरोही है। जैसे ये स्टॉक जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो स्टॉक देखने मिल रहा है ये सिरोही के हैं। दो कलर जो फेमस है, पॉपुलर हैं, उन दोनों कलरों में हैं। ये प्योर गुजरी नस्ल का बकरा है। अच्छा, हाँ, वजन इतना है 40 किलो के करीब इसका। हाँ हाँ, और प्योर गुजरी है। अच्छा, और ये भी दो दांत पे है। दो दांत बना लिए इसने? हाँ, दो दांत बनाए, अभी बनाए दो दांत इसने, ये देखो। हाँ हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे कुछ बकरे खड़े हैं सर, इनके बारे में डिटेल। इनके बारे में जो अभी ये दिख रहा है, ये जा रहा है, ये सिरोही नस्ल का बकरा है। इसका वजन भी 65 यानी 65 किलो के करीब है। और ये दो तीन बकरे गुजरी के हैं, अजमेरा है शोरी, इनका वजन भी 75 के करीब ही है। सब 60 प्लस हैं ये वाले? हाँ, सब 60 प्लस है। चलिए, ये भी एक सिरोही का बकरा है जी। इसकी लेंथ, क्वालिटी और सब अच्छी है। फिर दो दांत पे है, 80 प्लस है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कुर्बानी तक क्या वजन पे हो जाएगा सर? कुर्बानी तक मान के चलो आप 95 के करीब चला जाएगा। 95 करीबन पकड़ेगा। तो किस हिसाब से सर आप अपने यहाँ पर शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आप मेरे जैसे लोग या हमारे जो दर्शक आपको नए लोग देख रहे हैं, वो भी बकरे के ऊपर काम करना चाहते हैं, खास करके पलाई का जो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, तो कब से उनकी तैयारी शुरू करनी चाहिए और कब खरीदारी करनी चाहिए, फिर साल भर किस तरीके से शेड्यूल रखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जैसे कोई भी फार्म वाला हो तो उसको जैसे बकरा 20 किलो का जो वजन गेन कर लेता है तो 20 किलो के ऊपर उसे बकरा लेना चाहिए, ताकि वो अपने फार्म में डालेगा तो वो अच्छा डेवलप करेगा। और उसके बाद दो चार दांत पे रहेगा वो इस कुर्बानी तक, जिस साल पालेगा उस कुर्बानी तक वो दो से चार दांत पे रहेगा, और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वजन भी अच्छा गेन करेगा। तो फिर किस हिसाब से आप इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल मेंटेन करते हैं? देखो, वैक्सीनेशन ऐसा रहता है कि जैसे मेरे फार्म पे आता है, जैसे मेरे को FMD लगाना है, PPR लगाना है या फिर और कुछ लगाना है, तो उसका एक शेड्यूल है। जैसे PPR पहले करता हूँ वैक्सीनेशन, उसके बाद में FMD करता हूँ, जैसे फिड़की वगैरह का जो भी कुछ करना होता है। और फिर मैं इससे आगे बढ़कर ये देखना चाहूँगा सर, किस हिसाब से आप इनका फीडिंग शेड्यूल मेंटेन करते हैं, पर गोट के हिसाब से क्या कॉस्ट बैठती है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कब कब, क्योंकि इतना स्टॉक को मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप तो सब इसको और अभी आगे बढ़ाते हैं, 700-800 बकरे आपके पास अवेलेबल रहते हैं कुर्बानी के टाइम पर, तो वो किस हिसाब से मेंटेन करते हैं? देखो, एक्चुअली में मेरी रेट अभी मैं 350 रुपये किलो के हिसाब से दे रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, तो और फिर क्या रेटें रहती है उस रेट के हिसाब से लगेगा, जो भी लगता है। फीडिंग कब कब इन्हें कराते हैं, क्या शेड्यूल रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक का? देखो, सुबह से शाम तक ऐसा होता है कि जैसे शाम को खा लेते हैं, तो सुबह तो हम लोग क्या करते हैं, 9-10 बजे के करीब इनको हरी पत्ती डालते हैं, फिर इसके बाद में हरी पत्ती खिला देते हैं। हरी पत्ती खिलाने के बाद में शाम को 3-4 बजे इनको जैसे भी अनाज के अंदर जौ या गेहूँ वगैरह जो भी खिलाने हैं वो खिला देते हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये आता है साहब, जैसे इस साल जो है, इस सीज़न पे हम देखने मिले हैं कि हरी पत्ती का रेट जो है वो आप बढ़कर अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वो जो 14 रुपये थी वो 28 रुपये हो गई है। बराबर, इस बार क्या है कि देखो, बकरे का भी इस बार गोट का भी देखो भाव ऊपर रहेगा। ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे हरी पत्ती है वो भी 28 रुपये किलो है, और जो जौ खिलाते थे हम पहले इनको वो भी 30-32 के रुपये हिसाब से, तो फिर हमारे को भी क्या है कि कॉस्टली खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बकरे पर। तो देखो, अभी तो मैं 350 रुपये किलो के हिसाब से दे रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से वो रेटें बढ़ती है, वो उस हिसाब से चलेगा। पर गोट के हिसाब से पर डे का कितना खर्चा बैठता होगा सर आपके? देखो, एक्चुअली में मेरा जो हमने हमारे शेड्यूल से हमने निकाला टारगेट, वो हमने ये निकाला है कि एक बकरा 1 किलो तो अनाज खाता है और 1 किलो हरी पत्ती खाता है। 1 किलो हरी पत्ती खाता है, तो अगर यही हम दोनों जोड़ लें तो 60 रुपये तो यही हो जाता है। 60 रुपये ये हो जाता है, 20-30 रुपये अलग से कॉस्ट आ जाता है जिनके लाने पिलाने वगैरह में। तो मतलब 80 रुपये का पर डे के हिसाब से बकरे के ऊपर है ना खर्चा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है और क्या रेट मिल रही है। मुझे तो लगता है मार्केट से सबसे सस्ते दामों पर यहीं पर ही बकरे उपलब्ध हैं अभी तक जो मैंने बकरे कवर किए हैं। वो बात भी है, जिस हिसाब से क्वालिटी आपने मेंटेन करी है वो रेट आपने बहुत वाजिब रखा हुआ है।
वो भी है। एक्चुअली में ये है कि जैसे हमारे को जितनी क्वांटिटी में मिलता है ना, जैसे हमें आज किसी से ऑर्डर मिला है, जैसे बड़ी क्वांटिटी रहती है, उसको बोलता है कि मुझे आज 500 बकरे चाहिए, तो हमारे पास 500 बकरे हम उसी दिन अवेलेबल कराते देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने आज ऑर्डर लिया है, 3-4 दिन में माल देंगे, वो करेंगे। यदि हमारे पास माल नहीं होता है तब 2-3 दिन के बाद जाती है, नहीं तो एंड टू एंड गाड़ी लोड करने का काम है। नहीं तो वो तो फिर प्लस पॉइंट है किसी भी के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि यार उनको अपने यहाँ पर काम करना है और एट अ प्रेजेंट टाइम उनको बिल्कुल स्टॉक चाहिए है, रेडी चाहिए है, तो वो आपके यहाँ पर आएँ और बिल्कुल मिलें, तो आपको उसका बेनिफिट अलग मिल जाता है। 10-20 रुपये अगर कंसेशन में भी चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों लास्टली मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी है अजमेर से तो बढ़िया रहता है, किशनगढ़ से किस हिसाब से आप अरेंज कराएंगे ये थोड़ा सा बताइए। देखो ट्रांसपोर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की हमारे पास तो क्या है कि हमारा क्या पर डे का ट्रांसपोर्ट का काम रहता है, क्योंकि कहाँ लोडिंग करानी है, कहाँ मुंबई भेजना है, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती, वो अपना अरेंज करा के देते। यदि अगला भी ट्रांसपोर्ट लेके आता तो हमारे कोई इश्यूज नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए कोई बाहर से या छोटी गाड़ी पर लेकर जाना चाहता है बड़ी गाड़ी का, तो क्या रेट चल रहा है सर इसके बारे में? तो अगर देखो अभी एक्चुअली में 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लोग लेते हैं जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आयुष्मान गोट फार्म में जो बकरे हैं वो कैसे हैं, आपको रेट पसंद आई होगी, बकरे पसंद आए होंगे, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।